दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में बुरे तरीके से हार झेलने के बाद अब टीम इंडिया की नजर अगले दो मुकाबलों में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में पहुंचने की है। ऐसे में अब तक जो तीन मुकाबले टीम इंडिया ने खेले हैं, उन तीन मुकाबलों की यदि बात की जाए तो वो तीनों ही मुकाबलों में केएल राहुल जो भारत के ओपनर है उनका प्रदर्शन बिल्कुल फ्लॉप रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि तीन मुकाबलों को खेलने के बाद ये मांग उठ रही है कि केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत को टीम में शामिल किया जाए और वो टीम में बैकअप ओपनर के तौर पर खेले। ऐसे में खबरों की माने तो अब केएल राहुल टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली से हाल ही में एडिलेड में सलाह लेते नजर आए। फिलहाल एडिलेड में तेज बारिश हो रही है और बारिश भी इस मुकाबले पर प्रभाव डाल सकती है। ऐसे में इंडोर प्रैक्टिस के दौरान केएल राहुल विराट कोहली से जमकर टिप्स लेते नजर आए और लंबे समय उनके साथ बातचीत भी की। आपको बता दें कि विराट कोहली तीन साल तक आउट ऑफ फॉर्म रहने के बाद अचानक लय में लौट आए हैं और उनका प्रदर्शन भी वापस आने के बाद काफी तेजी से बेहतर होता चला जा रहा है। विराट कोहली ने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर एक रोमांचक और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ऐसे में केएल राहुल कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली से जमकर बातचीत करते नजर आए। आपको बता दें कि केएल राहुल का फॉर्म में आना जरूरी है। हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीम इंडिया के कोच ने भी राहुल के प्रदर्शन की बात की है और उन्होंने साफ कहा कि केएल राहुल एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और वो जल्द से जल्द और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।